अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आज मैं खुबर से दमाम की तरफ जा रही थी। एक नया मॉल बना था नखील मॉल के नाम से, तो वो देखने जा रहे थे, तो मैंने सोचा आप सबको भी साथ ले चलूं। तो ये अब हम हाईवे पर आ चुके हैं, ये राइट साइड पे आपको राशिद मॉल नज़र आ रहा है। ये भी यहाँ का बड़ा मशहूर मॉल है। अभी लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये इथरा टावर है। इथरा टावर में जो है वो एग्ज़िबिशंस वगैरह होती हैं, और ये इसके इस टावर की एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें बाहर की डेकोरेशन और अंदर की डेकोरेशन के लिए सारा स्टील का पाइप यूज़ हुआ है। और इसकी जो शेप है वो स्पेस शटल के जैसे बनाई गई है, स्पेस शटल और लॉन्चिंग पैड। अब हम ये नखील मॉल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम बाहर पार्क करने लगे हैं कार। ये देखें, वैसे तो हम आए भी दोपहर के टाइम थे, उस टाइम तो इतना रश नहीं होता, लेकिन ये अभी क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इस मॉल का, ये जब हम खुबर से दमाम जा रहे हों जो एयरपोर्ट का रास्ता है उस रास्ते में ही आता है। और दूसरी निशानी है अलबेग की। अलबेग तो सब लोगों को पता है ही है कि कहाँ है, दमाम में, और उसके बिल्कुल सामने की तरफ ही मॉल है। और अब हम फाइनली एंटर होने लगे हैं मॉल में। पहले तो यहाँ पर ये जो तवक्कलना चेक करते हैं वो ख़ुद चेक किया करते थे, लेकिन अब ये बारकोड वाला सिस्टम करती है जो कि ज़्यादा अच्छा है। तो बस अब वो स्कैन करें और अंदर एंटर हो जाएं। तो ये हम अंदर एंटर हो चुके हैं और आप देख लें इसका व्यू। तो अभी क्योंकि नया भी बना है इसलिए हर चीज़ जो है वो इस तरह चमकती हुई बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। जी तो अब ये मैं मैक्स में एंटर हो चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे नज़र आया कि सेल थी, तो मैंने सोचा कि अपने बेटे के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। उसको आजकल सुपर हीरोज़ का बहुत क्रेज़ चल रहा है, तो बस उसी के लिए मैं शर्ट्स देखने आई थी। तो बड़ी मुनासिब मिल गई यहाँ से, जैसे 17 रियाल तक की बड़ी अच्छी शर्ट्स थी सेल में। तो बच्चे जब बड़े हो रहे हों और उनके कपड़े जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हों तो मैक्स बेस्ट है।
अच्छा ये देखें, ये यहाँ पर एक कैफ़े था जिसको पूरा जो है वो फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया हुआ है, और जब इसके पास से गुजरे तो इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आप किसी गार्डन में से गुजर रहे हो जहाँ पर ज़्यादा सारे रोज़ेज़ और फ्लावर्स हैं, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं, यहाँ पर डिफरेंट गेमिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं और अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है एंटरटेनमेंट के लिए। उसके साथ साथ जो है ये फूड कोर्ट भी ऊपर ही है फर्स्ट फ्लोर पर। अच्छा, ये ऑक्टो एक ब्रांड का नाम है, ऑक्टो वालों ने ही यहाँ पर डिफरेंट वो एंटरटेनमेंट के पॉइंट बनाए हैं। तो पहले इसको चल के देखते हैं इसमें क्या है। ऑक्टो कार्टिंग के नाम से ये जगह है, यहाँ पर आप आएँ, टिकट लें, उसके बाद आप अपनी कार लें और यहाँ पर आप जो है वो रेसिंग करें। तो इसमें ज़ाहिर है ज़्यादा बड़ी टीम आए तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा लोग आए मिलकर तो उसमें ज़्यादा फन है। तो ये बड़ी एक मुझे यूनिक सी जगह लगी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जो चीज़ हम टीवी में देखते थे तो आज रियलिटी में देख रहे हैं। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद भी ये था कि जिनको अभी तक इस जगह का नहीं पता वो यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें। तो आप लोग भी जो जो इसको देख रहा है वो ज़रूर इधर आएँ और इन्जॉय करें। और ये सामने की तरफ आपको मूवी के लिए भी नज़र आ रहा है। सिनेमा तो अब तकरीबन हर मॉल में है, हर मॉल में बन चुके हैं, जहाँ पर भी आप जाना चाहें। ये देखें फर्स्ट फ्लोर से व्यू है ग्राउंड फ्लोर का। अच्छा, यहाँ पर एक और नई चीज़ मुझे नज़र आई, ऑक्टो लेज़र टैग। ये बड़ा अच्छा लगा, ये भी बिल्कुल नई चीज़ थी ये भी हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पर भी 4 से 5 लोगों का ग्रुप जाए तो ही मज़ा आए। आप आएँ, फ्रेंड्स को साथ लाएं और फिर आप इन्जॉय करें लेज़र गन के साथ। चलें अब बाकी गपशप बाद में करते हैं, पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लें, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अब हम ऑक्टो सिटी में एंटर होने लगे हैं। ऑक्टो सिटी में भी एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी कुछ था, जैसे ये देखें जीरो ग्रेविटी के नाम से एक जगह थी, फिर उसके अलावा डॉजिंग कार्स थी, बच्चों के राइड्स थे काफ़ी तरह के। तो अच्छा पॉइंट है ये भी, अगर आपने फ़न करना है।
अच्छा, जब आप ऐसे किसी मॉल वगैरह में चले जाएं तो फिर तो 3 से 4 घंटे का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और यहाँ सऊदीया में गर्मी के मौसम में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, आप आउटडोर तो जा नहीं सकते, तो इनडोर में ये मॉल वाली ऑप्शन ही रह जाती है, तो फिर आपको यहीं पर जाना पड़ता है। तो इस मॉल का भी आप विज़िट करें, जो जो सऊदीया में रहते हैं, दमाम खुबर के पास रहते हैं, वो विज़िट करें और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।